हाँ राजीव अभी मॉडल दिखा, डिस्क्राइब करो अपने मॉडल को। हेलो, हाँ हाँ आवाज क्लियर है, बताओ। ये हमारा एंट्री है, ये बालकोनी वगैरह है, ये रूम का बालकोनी है, ये हॉल का बालकोनी। ये लेफ्ट साइड में जो है, लेफ्ट साइड में, ये नीचे का ग्राउंड फ्लोर का है आपका हॉल का, खिड़की स्लाइडिंग के विंडो है, तो स्लाइड करके दिखाओ, स्लाइड होता है नहीं। दोनों विंडो के बीच में जो ग्लास पैन्स हैं उसके भी बीच में कितना गैप दिए हो? बीच में हाँ, उसके बीच में कुछ गैप दिए हो या फिर अटैच्ड हैं? वो एक सेकंड दिखाते हैं। गैप नहीं है सर, वो दोनों एक दो फीट का दो फीट। हाँ कोई बात नहीं, वो फिर भी ठीक है, मैच कर दो, कर दो जैसा था। मतलब ओवरलैपिंग नहीं रहेगा, जैसे ये दो विंडो है ठीक है, ये ऐसे नहीं रह के अगर आगे पीछे रहेगा तभी तो स्लाइड कर पाएगा ना, तो बस उसमें ओवरलैप मतलब देखो अगर ये सामने सामने है तो लॉक हो जाता है, जो तुम लोग को पहले क्लास में बताते थे, कल वाले क्लास में तो तुम नहीं थे, तो उसमें हम ये वाला स्लाइडिंग वाला विंडो बनाए थे ठीक है, ये ऐसे खुलता है जैसे तुम अभी बनाए हो, तो उसके बीच में जब एक्चुअल विंडो की बात की जाती है तो उसमें एक पतला सा स्टील का या भी जिस यूपीवीसी है तो यूपीवीसी का जो भी मटेरियल रहता है उसका एक फाइन लाइन होता है जिसके कारण वो पार्टीशन होता है, तो अगर तुम उसको और अच्छा करना चाहते हो तो तुम बीच में जो लाइन है ना, हाँ ये जो बीच वाला गैप है इसके बीच में उतना नहीं जरूरत है 3D मॉडलिंग में, मगर और ज्यादा इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो तो बीच में एक रेक्टेंगल रेड एक्सिस या ग्रीन एक्सिस जो भी प्लेन में है उसके साथ एक रेक्टेंगल ब्लू एक्सिस के साथ खड़ा कर दो। अभी नहीं, अभी रहने दो, बाकी चीजें दिखाओ। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर, ये वाला वैसे बहुत अच्छा है लेकिन जो कंपोनेंट बनाए हो तो कंपोनेंट में एक साथ डोर और रेलिंग्स, फर्स्ट फ्लोर का कंपोनेंट बनाए हो तो फर्स्ट फ्लोर का सब कंपोनेंट एक साथ कर देना ठीक है। ठीक है, और इधर अंदर में कुछ अंदर में हाँ। जूम करो और दिखाओ तो बताते हैं। ये बिना डोर वाला कौन सा रूम है, पैसेज है क्या वो? हाँ सर, एंट्री वाला है, उसमें डोर 4 फीट का था तो उसको बनाया नहीं है। ओके कोई बात नहीं, ये अच्छा जो डोर है ना तुम्हारा उसको अगर तुम मान लो कि सेम डोर रखना चाहते हो ठीक है, तो उसके लिए डोर अलग से नहीं बनाएगा, तो तुम्हारा अगर डोर मान लो 3 फीट 3 इंच का डोर है तुम्हारा, उसको तुम चाहो तो स्केल का यूज करके उसको उसी साइड में इंक्रीज भी कर सकते हो, थोड़ा सा मॉडल डिफरेंट दिखेगा बट बहुत कम का डिफरेंस होता है इसलिए पता नहीं चलेगा ठीक है। तो इनकेस अगर तुम्हारा मन है कि तुम अलग से डोर डिजाइन नहीं करो, सेम डोर रखो, तो तुम स्केल टूल का यूज करके उसको चेंज कर सकते हो। स्केल टूल में बताया थे ना कि जैसे जो भी पॉइंट्स होते हैं उसको सिलेक्ट करोगे तो उसके जस्ट अपोजिट वाला पॉइंट सिलेक्ट हो जाता है, तो अगर मान लो उसको हॉरिजॉन्टली ये ऐसा डोर हुआ तो इधर का सिलेक्ट करके ये दो सिलेक्ट हो जाएगा
इसको इंक्रीज करोगे स्केल फैक्टर से, क्योंकि उसमें स्केलिंग लेना होता है. तुम अपना अलग से कैलकुलेट कर लेना कि 3 फुट 3 इंच को अगर 4 फिट बनाना है तो उसमें कितना स्केल देना होगा, उसके हिसाब से तुम उसका स्केलिंग कर देना. ठीक है. और ये जो बाथरूम है ना, ये बाथरूम था ना इस साइड में, वापस ये बाथरूम वाला, ये पूजा रूम है, बाथरूम ये दोनों. हाँ, ये दोनों बाथरूम जो है, तो बाथरूम का जो डोर लगाना कभी, तो वो थोड़ा डिफरेंट डोर बना देना, क्योंकि बाथरूम का डोर होता है वो बाथरूम का डिफरेंट है. हाँ, ये स्टील वाला है, यहाँ अच्छा स्टील वाला. हाँ ठीक है, मेटल मेटल टेक्सचर दिया है. ओके बाकी का वुडन टेक्सचर है, स्टील का नहीं होता है, एल्यूमिनियम का होता है. ठीक है. अच्छा, रस्ट फ्री होता है ना एल्यूमिनियम, इससे वो होता है. ये कहाँ पे है, जूम आउट करो. कौन सा, नहीं कहीं पे जूम कर लिया तो. ओके, वापस अपने मॉडल को असेंबल कर दो. सर अजित, रेलिंग के लिए क्या किया है? क्या रेलिंग? ये ना नीचे ये, अरे ये वाला ने बालकोनी का जो रेलिंग दिया हुआ है. अच्छा, ये इसका पहले एक लाइन ले लिया, उसमें सर्कल बना दिया, उसके बाद एक्सट्रूड कर दिया, कुछ पुल कर दिया, हो गया. दिखाते ही जाएं, कॉपी पेस्ट कर दिया. नो सर, कॉपी पेस्ट. ये एक ट्रायंगल बना दिए, उसमें ये ले लिया, टेप कर मेजरमेंट ले लिया, उसके बाद रेफरेंस पॉइंट लाइन ले लिए, एक डिफरेंस लेके, उसके बाद एक एग्जांपल बता दो. सपोज एक ट्रायंगल ले लिए, एक रेफरेंस ले लिए, कम से कम 1 फीट का, उधर से फिर 1 फीट का डिफरेंस लाइन, और यहाँ से सर्कल बना देगी, ऐसे ही ले ले, उसके बाद एक्सट्रूड कर दे, ऐसे से कर, उसको ग्रुप कर दिया, उसको ग्रुप करके कॉपी करते जाएंगे, ग्रुप करके उसके वहाँ पेस्ट कर दिया. ये गेट बना रहे थे. अब अपना वो जो रेलिंग है वहाँ थोड़ा जूम करो, रेलिंग पे. तो इसका जो सेंटर वाला रेलिंग है वो, उसमें थोड़ा सा गैप जो है वो ज्यादा है. अच्छा, इसमें ना, हाँ उधर वाला. ये तो हॉल का है ना, एक रूम का है ना बनाया तुम, ये रूम का सर, हॉल का ये. अच्छा, ये हॉल का है, इसको थोड़ा जूम आउट करो. अब बस रुको रुको रुको, इसको नहीं नहीं राइट साइड में जो है, बस यहीं पे रुको. ये तो वही जो बीच में है ना, इतना मूव मत करो. ये ना सर, ये वाला नहीं, राइट साइड. हाँ, यहाँ अभी जहाँ तुम्हारा कर्सर है वहाँ पे रुको. ये जो बीच में एक गैप है ना, वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया है. तो अब मान लो कि इतना तो कैलकुलेट करो, फर्स्ट टाइम में ये फर्स्ट टाइम में लेफ्ट वाला का रेलिंग बनाए थे, तो उसके बाद जब ऐड कर रहे थे उस समय कैलकुलेशन कोई कैलकुलेशन का दिक्कत नहीं है.
मतलब कैलकुलेशन से होता है कि इतना फाइन कैलकुलेशन कैसे होगा, तो उसके लिए एक ट्रिक है जो हम बताएंगे। अच्छा अभी कर लो, अभी बना लो, आगे क्लास में हम बताएंगे।